बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको दो दालों का जो है, ये मूंगी की और लाल मसूर है, और ये जो है ना, मैं आपको इन दोनों दालों से जो है बनाना बहुत ही ज़बरदस्त दाल ढाबा स्टाइल जो है वो मैं बनानी सिखाऊंगी। तो जी व्यूअर, ये मेरे पास हाफ कप जो है मसूर की दाल है, और पौना कप जो है, हाफ कप से 1/4 कप कह रहे, मतलब यानी जो है हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा कह रहे कि ये मेरे पास मूंगी की दाल है। तो इन दोनों दालों को मैंने इकट्ठा भिगो दिया है, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ हमने करना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूअर, जैसे कि मैंने आज आपको मूंगी और लाल मसूर जो है वो मैं दाल पकाने का तरीका बता रही हूँ, बहुत ही ईजी और झटपट तैयार होने वाली है। अगर आपका समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या पकाएं, तो ये पका लें। तो जी व्यूअर, ये मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास लहसुन 1 टेबल स्पून है, अदरक जो है 1 टेबल स्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च है, और 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है। नमक आप अपने हिसाब से हल्दी जायका रख लें, अगर ज़्यादा खाते ज़्यादा, कम खाते कम। ये मेरे पास 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, और ये मेरे पास 1 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है। तो जी मैं ये सब अब इसमें इंसर्ट करूँगी, इसमें डाल दूँगी मैं। तो अच्छी व्यवहार, अब ये मेरे मसाले इसमें ऐड हो गए हैं, तो अब मैं इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। ना इसमें मैंने टमाटर डालना है, ना इसमें इस वक्त मैंने अदरक डालना है, तो सॉरी प्याज डालना है, ये विदाउट प्याज बनेगी। तो जी व्यवहार, अब एक ज़बरदस्त सा इसको जब पक जाएगी, आखिर में क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ढाबा स्टाइल बनती है, ये मूंगी का 1/4 कप है छोटा वाला, और जो लाल मसूर है उसका 1/2 कप है। तो जी व्यूअर, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो जी व्यूअर, अब मेरी दाल को कम से कम आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, 35 मिनट हो गए हैं। जी व्यूअर, मेरी दाल जो है कुछ इस तरीके से अभी पक रही है, अभी जो है गाढ़ी हो ले, उसके बाद जो है ना हम इसमें जो है तड़का लगाएंगे। तो ये व्यूअर, अब मुझे तकरीबन 10 मिनट और मैंने दाल को दिए, तो ये जी व्यूअर आहिस्ता आहिस्ता पक रही है, और यहाँ मैं तड़के के लिए सामान आपको बताती हूँ। ये मैंने एक पैन लिया है। तो जी व्यूअर, यहाँ मैंने एक जो है वो लिया है पैन, और इसमें मैंने जो है 1/2 कप मैंने घी डाला है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका टेस्ट चाहते हैं तो इसमें घी डालना पड़ेगा। अगर टेस्ट नहीं चाहते तो फिर आप इसमें जो मर्ज़ी डाल लें, ऑयल डाल लें। अच्छा, तो जी व्यूअर, यहाँ मेरे पास लहसुन कुछ इस तरह से चॉप रफ किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास 6-6 अदद ये हैं साबुत लाल मिर्चें, और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, और ये मेरे पास 1/2 टमाटर है, और ये 1 चम्मच जो है मेरे पास ज़ीरा है काला, और थोड़ा सा ये गार्निशिंग के लिए मेरे पास धनिया है। तो जी व्यूअर, यहाँ पे मैंने अब ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैंने लहसुन डालना है, इसके साथ ये मैंने जो है थोड़ा सा टमाटर ऐड करना है फ्राइज को लाइट ब्राउन करने के बाद, और ये ज़ीरा जो है 1 चम्मच जो था वो मैंने ज़ीरा काला रखा है, ये डालना है। क्योंकि जो है यहाँ मेरी पास छोटा सा एक स्मॉल सा टमाटर है, इस पे इसे अब वो डालना है। अब मेरे पास ये जो साबुत मिर्चें हैं ये डालने हैं। तो जी व्यूअर, कहाँ मेरे पास दाल पक रही है, और इसमें मैंने ये 4 अदद मिर्चें डाल दी हैं साबुत में,
तो ये जो है अब कुछ यूँ से उनका तड़का तैयार होना है। देखो तो जी व्यूअर, ये मेरा जो है रेडी हो गया है। अब मैं इसको कुछ यूँ क्योंकि व्यूअर आग इसकी स्लो कर लेनी है। तड़का लगाने से पहले हमेशा आग स्लो कर लेनी है। और जी व्यूअर, ये बंद कर देनी है मैंने। यहाँ मेरा तड़का रेडी है और इसका जो है जी व्यूअर यूँ कुछ करके आपने तड़का दे देना है। जी व्यूअर, अब मेरी दाल जो है इसको मज़ीद गाढ़ी होने के लिए मैंने रख दिया है। इसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो जी व्यूअर, ये फाइनल लुक मेरी दाल की रेडी है। ज़बरदस्त सी दाल मेरी तैयार है, दो दालों का मिक्स, मूंगी और लाल मसूर।